खरगोन जिले के सेगांव चौकी के थाना प्रभारी माधव सिंह ठाकुर के निर्देशन में सेगांव चौकी प्रभारी योगेंद्र सिंह जादौन, प्रधान आरक्षक रामेश्वर पाटीदार, आरक्षक कृष्णकांत चौहान, देवराम ने एसआर पेट्रोल पंप की लूट की योजना बनाते हुए आरोपियों को पकड़ा और उन्हें उन थाने ले गए, जहां पुलिस द्वारा गहन पूछताछ की, जिसमें आरोपियों ने बताया कि दिनांक 19 नवंबर को बैंक ऑफ इंडिया के पास से केशवपुरा निवासी किसान दिनेश पिता रामकरण पाटिल की थैली काटकर 42,000 रुपए नकदी भी हमने ही चुराए थे। एसआर पेट्रोल पंप लूटने की योजना भी बनाई जा रही थी। आरोपियों से जुर्म कबूल करवाने में पुलिस उप निरीक्षक रविंद्र बर्डे, प्रधान आरक्षक संतोष चौधरी, आरक्षक जय प्रकाश पाटीदार व अखिलेश की भी अहम भूमिका रही। वहीं उन थाना प्रभारी माधव सिंह ठाकुर ने बताया कि यह 5 शातिर चोर है जिनसे धारदार हथियार भी जब्त किए हैं और पूर्व उन्होंने बेटमा थाना क्षेत्र में भी वारदातें की है व अन्य घटनाओं की पूछताछ की जा रही है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। किस घटना में पकड़ा गया? कल रात को हमारे चौकी प्रभारी योगेंद्र सिंह जादौन को एक सूचना मिली थी मुखबिर द्वारा कि लालघाटी जुलवानिया सेगांव रोड पर एक लालघाटी है, जिला सहकारी समिति वेयर हाउस के पीछे कुछ लोग बैठकर शराब पी रहे हैं और जिनके पास अवैध हथियार भी हैं जो एसआर पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे। सर, इनको पूछने पर और कोई चोरियों के बताया गया? हाँ, इनको जब गिरफ्तार किया गया तो इनसे अवैध आग्नेय शस्त्र, एक और जो ताला तोड़ने के बटामी और आरी और टार्च आदि सामान जब्त हुए। इनसे और भी पूछा तो जो अपने सेलून में जो चोरी हुई थी बैंक ऑफ इंडिया में, उसके 42,000 रूपए भी इन्होंने चोरी करना बात कबूल की है। हाँ, इनके द्वारा पूर्व में भी बेटमा थाने में भी इनके आपराधिक रिकॉर्ड है और अभी इनसे और भी जो जिले की चोरी और अन्य जगह की चोरी के बारे में पूछताछ की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।